गाइस वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बची हुई सब्जी से एक बहुत ही चटपटा स्नैक्स। 5 मिनट में बिल्कुल तैयार होगा, बिल्कुल कोई नहीं कह सकता कि आपने इसे सब्जी से बनाया हुआ है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। कभी कभी अचानक मेहमान आ जाते हैं, हमें समझ नहीं आता क्या बनाएं, तो जो भी आपके घर में सब्जी बची है आप उसी से झटपट स्नैक्स बना सकते हो। बिल्कुल 5 मिनट में बनेगा। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। अंदर से इसका टेक्सचर आप दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले ली है सब्जी। सब्जी को मैंने मैश दिया है पूरी तरीके से और इसको ड्राई कर लिया है। मेरी सब्जी आलू की थी, अगर आपकी सब्जी किसी और चीज़ की है तो सबसे पहले आप उसको ड्राई कर लें और उसको उसमें एक आलू बॉयल एक आलू ज़रूर मिक्स कर लें। अगर आलू उसमें मिक्स है पहले से तो फिर आलू मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। आलू के अलावा हमने लेना है एक प्याज, इसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। प्याज को भी इसमें मिक्स करेंगे। पाँच मिनट में रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसमें कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। सब्जी में हमारी ऑलरेडी सारे मसाले मिर्च वगैरह सब कुछ मिला हुआ है। आप चाहे तो इसमें कुछ फ्रेश हरी धनिया के पत्ते भी डाल सकते हो। अब हम इसकी तैयार कर लेंगे टिक्कियां। इस तरीके से आपको जो जो भी शेप आपको पसंद हो उस शेप में आप बना सकते हो। इसी तरीके से सारी सब्जी का हमें टिक्कियाँ बना के तैयार कर लेनी है। हमने ये टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं। अब हमें लेना है एक बर्तन, इसमें हम डालेंगे आधा कटोरी बेसन, इसमें जाएगा हमारा थोड़ा सा अजवाइन, इसके अलावा डालेंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। सब्जी में हमारी नमक पहले से, इसीलिए नमक ध्यान से डालना है, नमक थोड़ा डालना है। इसके अलावा इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। पानी डाल के हमें इसका एक गाढ़ा घोल तैयार करना है। घोल हमारा बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं। हमें थोड़ा सा थिक घोल ही तैयार करना है। 5 मिनट में स्नैक्स बन के तैयार हो जाता है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। बिल्कुल नहीं लगा कि आपने ये बची हुई सब्जी से बनाया है। आप बना के जरूर ट्राई करना और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए और भी लेके आ सकूं। घोल हमारा तैयार है, चलिए गैस ऑन करते हैं। हमने ऑन कर लिया है, हम इसे सैलो फ्राई करेंगे, इसलिए मैंने तवा चढ़ाया है। आप चाहो तो डीप फ्राई भी कर सकते हो। इसमें डालेंगे हल्का सा ऑयल, ऑयल गर्म होने देते हैं। तब हमारा गर्म हो गया, ऑयल गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे इन टिक्कियों को। इसी तरीके से अपनी सारी टिक्कियों को डाल के फ्राई कर लेंगे। सारी टिक्कियों को हमने डाल दिया है, धीमी आंच पे से पकाना है। सारी टिक्कियों को हमने पलट लिया है, इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करते हैं। बहुत ज़्यादा चटपटी लगेगी, झटपट तैयार हो जाएगी। कभी कोई अगर अचानक मेहमान भी आ जाए तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप बची हुई सब्जियों को ही आप इसको मैश के झटपट ये नाश्ता तैयार करके दे सकते हो। कोई नहीं समझेगा कि आपने ये सब्जी से बनाई है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, एकदम बिल्कुल घड़ी देकर 5 मिनट में तैयार हो जाएगी। चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है। टिक्की हमारी अब फ्राई हो चुकी है।
बिल्कुल चाय के साथ खाने के लिए आपका स्नैक्स 5 मिनट में रेडी हो चुका है। निकाल लेते हैं इनको। सारे स्नैक्स मैंने निकाल के तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। गर्मा गर्म आपका चाय के साथ खाने के लिए स्नैक्स बिल्कुल तैयार है, 5 मिनट में बिल्कुल घड़ी देख के बन जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।